हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल ब्रेन पीसीएम। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ एंड हाउ कूलम्स लॉ इज लिंक्ड विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो कैसे जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ लिंक्ड है और कैसे जो है कूलम्स लॉ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो है फेल हो जाता है, वैलिड नहीं होता। और अगर कूलम्स लॉ अगर वैलिड नहीं हो रहा तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो हाउ कूलम्स लॉ इज लिंक्ड विथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे जो है कूलम्स लॉ जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिंक्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम उसको लिंक करते हैं तो होगा क्या, ये चीज इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पर एक वाई एक्सिस है और यहां पर हमारा एक्स एक्सिस है और दो तो चार्ज है Q1 और Q2। अब मान लो कि Q1 जो है उसका पोजीशन शुरुआत में RI पोजीशन पे है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और Q2 का जो पोजीशन है वो RF है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो कूलम्स लॉ के अनुसार जो है Q1 जो है Q2 पे क्या लगेगा, फोर्स। Q1 एग्जर्ट्स फोर्स ऑन Q2। यहाँ पे हम एक एजप्शन लेके चल रहे हैं कि दोनों चार्जेज जो है रेस्ट पे हैं, तो इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दिस फोर्स इज रिपल्सन ऑफ नेचर, मैंने रिपल्सन नेचर का होगा। उसी तरह न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार यहाँ पर फोर्स लगेगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज अप्लाइड बाई सेकेंड चार्ज, ये जो इसको रिपेल करेगा। इस तरीके से एक दूसरे पर जो है फोर्स लगाएंगे और वो जो फोर्स का वैल्यू आएगा F12 अगर हम निकालना चाहते हैं F12 तो उसका वैल्यू होगा Q1 Q2 इंटू RF माइनस RI का होल क्यूब। ये जो है हम फैक्टर फॉर्मेट में जानते हैं कूलम्स लॉ को और यही एक्चुअल में कूलम्स लॉ है। ठीक है ना, एक्चुअल में कूलम्स लॉ यही है, कूलम्स लॉ। ठीक है, यही है कूलम्स लॉ। ठीक है, ये हो गया। अगर हम फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि K Q1 Q2 इंटू RI माइनस RF वेक्टर बाई RI माइनस RF उसका होल क्यूब। ये होगा हमारा कूलम्स लॉ के अनुसार वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर अगर हम इस कूलम्स लॉ को लिंक कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार तो क्या होगा, समझिए, आराम से समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस जो है हमारा दिया हुआ है, लेट्स डिस्टेंस दिया है हमारा 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर वो क्या होता है ये तुमको थोड़ा सा हम बता देते हैं। लाइट ईयर दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाई, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस कवर बाई लाइट इन 1 ईयर। एक ईयर में जो है कि कोई लाइट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही हमारा लाइट ईयर कहलाता है।
ये डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर, और वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, अगर चाहिए तो डिस्टेंस कवर बाई क्या है, एक ईयर में, एक ईयर में। तो बताओ कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब लाइट का स्पीड होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, टाइम है एक ईयर, एक ईयर को लिखेंगे 365 डेज इंटू, एक डेज में 24 आवर, और 24 आवर एक घंटा में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा लगभग 9.46×10⁰ मीटर, या 9.46×10⁻¹² किलोमीटर। ठीक है, ये होता है हमारा लाइट ईयर। मतलब मान लो कि ये दोनों चार्जेज जो हैं वो अभी एक लाइट ईयर के डिस्टेंस पे है। मतलब अगर मान लो कि कूलम्स लॉ के अनुसार, यहाँ पे पहले कूलम्स लॉ के अनुसार जो है हम Q1 पे फोर्स देखते हैं Q2 के कारण, तो Q2 जो है Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेट्स एज ए फोर्स F1/2, ठीक है, अप्लाई करेगा, और वो फोर्स का जो वैल्यू होगा F, मान लो कि फोर्स का जो वैल्यू होगा F12, उसका वैल्यू होगा Q1 Q2 ओवर 4πε₀ इंटू R², ये होगा कूलम्स लॉ के अनुसार। उसी तरह Q1 जो है Q2 पे वही फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और दिस फोर्स इज ऑल्सो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज Q1 Q2 बाई 4πε₀ इंटू R², ठीक है, ये जो है कूलम्स लॉ के अनुसार होगा। अब क्या होता है, आराम से समझना, ध्यान से। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर Q1 चार्ज था और यहाँ पर Q2 चार्ज था, पहले R डिस्टेंस पे था, लेकिन हम जो है थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं, थोड़ा सा। पहले जो है इसके बीच के सेपरेशन एक लाइट ईयर था, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना था, R=1 लाइट ईयर। लेकिन अब 1 लाइट ईयर से हम क्या किए हैं कि थोड़ा सा कम कर दिए, अब चार्ज को थोड़ा सा खिसका दिए और चार्ज को यहाँ ले आए, यहाँ पर, यहाँ पर ले आए। मान लो कि डेल्टा आर डिस्टेंस खिसका दिए, खिसकाने से डेल्टा आर डिस्टेंस खिसकाने से अब चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना हो गया R-Δr, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो अब जो है नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अब जो है इस Q1 चार्ज पे फोर्स जो है ऑन टू वो हो जाना चाहिए कितना, Q1 Q2 बाई 4πε₀ इंटू डी बीच का डिस्टेंस कितना है R-Δr उसका होल स्क्वायर, यही होना चाहिए। बट ये क्या है हमारा गलत, ये चीज को जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो क्या कर दिया जो है, गलत कर दिया। ठीक है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जो है ये फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो सुनिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका स्पीड जो है लाइट के स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता, सबसे पहला बात। ठीक है, अगर उसका स्पीड जो है लाइट के स्पीड से नहीं ज्यादा हो सकता, अगर ये चार्ज जो है Q2 का इंफॉर्मेशन मान लो, आज जो है मान लो कि तारीख है आज, ठीक है ना, आज मान लो कि 15 तारीख है, फर्स्ट मंथ है और 2023 है, 15 तारीख जनवरी है और 2023 है आज। ठीक है, और अगर मान लो कि अगर हम Q2 को यहाँ पे किसका है, तो Q2 का इंफॉर्मेशन वो कम से कम एक साल तो जो है Q2 तक जाने में लगेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एक लाइट ईयर का मतलब क्या, कि अगर ये जो Q2 चार्ज का इंफॉर्मेशन है लाइट के स्पीड से भी चलना शुरू कर दे, तो कम से कम उसको जो है एक लाइट ईयर जो है इसका इंफॉर्मेशन जाने में लगेगा। और अगर इसका जो है इसका इंफॉर्मेशन अगर एक ईयर जो है इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, तो कूलम्स लॉ के अनुसार जो है इतना फोर्स जो है कब होगा, जब अगला एक ईयर बीत जाएगा तब यहाँ पे Q1 चार्ज जो है वो इतना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, कब, आफ्टर एक ईयर, कब, Q2 चार्ज का जो इंफॉर्मेशन है कि इसको पता कब चलेगा,
कि हमको डेल्टा आर कम कर दिए, तो Q2 चार्ज का जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डेल्टा आर स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, उसको इन्फॉर्मेशन को पहुंचने में यहाँ से यहाँ तक उसको एक लाइट ईयर तो लगेगा, और अगर एक लाइट ईयर अगर डिस्टेंस को ट्रेवल करने लगेगा मतलब एक ईयर तो उसको समय लगेगा ही यहाँ से यहाँ तक आने में उसका इन्फॉर्मेशन, अगर एक ईयर लगेगा तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको Q1 को चार्ज जो इतना फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा, तो अगला 15/1/2024 में जो है उस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q1 चार्ज, ठीक है। मतलब एक साल तक तो जो है इतना फोर्स तो होगा ही नहीं, एक साल के अंदर अगर हम 15 तारीख दूसरा महीना 2023 में भी अगर हम फोर्स इस चीज को देखें, मैंने 2023 में ही Q1 चार्ज पे फोर्स देखें, तो Q1 चार्ज पे जो है फोर्स का वैल्यू उतना ही रहेगा। Q1 चार्ज पे फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। कितना था फोर्स का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू कितना था, फोर्स का वैल्यू था हमारा F is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught over R square, यही होगा हमारा फोर्स एक साल तक, ठीक है ना। एक साल तक मैंने एक साल पहले तक जो है अगर Q1 चार्ज का Q2 चार्ज का इंफॉर्मेशन जो है वो Q1 तक आने में अगर वो लाइट की स्पीड से भी चलना शुरू कर दे, लाइट की स्पीड से भी, तो जो है उसको एक साल बाद जो है Q1 चार्ज को इतना फोर्स एक्सपीरियंस अनुभव होगा, नहीं तो एक साल पहले जो है अगर 15 तारीख दूसरा महीना 2023 को भी अगर फोर्स देखे तो उतना ही होगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार जो है उसका फोर्स का वैल्यू जो है इतना हो जाना चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंस घट गया तो फोर्स बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज जो है वो फोर्स का वैल्यू उतना नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो डे टाइम के अनुसार जो है टाइम के अनुसार वो कूलॉम्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वैलिड है, तो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ जो है एक साल तक तो वैलिड ही होने वाला नहीं है, एक साल तक तो कूलॉम्स लॉ वैलिड ही होने वाला नहीं है, समझ में आया ना। अच्छा और इसमें एक चीज और बताने वाले हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और इस Q1 चार्ज से R डिस्टेंस दूर एक और Q2 चार्ज है, तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार जो है हम लोग पढ़े हैं कि Q1 चार्ज जो है वो Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 चार्ज जो है Q1 पे फोर्स लगाता है, जो क्या हो गया गलत। आज से याद रखना कि चार्जेज जो होते हैं एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते हैं, इससे हमको यही सीख मिला कि अगर यहाँ पर चार्जेज अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का वैल्यू तो ए जना हो जाना चाहिए था ये वाला अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, लेकिन उसके बाद जो है कुछ चीज पता चला कि Q1 के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक अपना मोमेंटम होता है, एक अपना एनर्जी होता है, ठीक है ना। और अगर उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अगर कोई Q2 चार्ज पड़ा रहता है तो उस पे फोर्स लगता है, क्या लगता है फोर्स, और फोर्स का वैल्यू होता है Q2 चार्ज इंटू इस Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q1 चार्ज के कारण, ठीक है ना। तो बाद में पता चला कि अच्छा कोई भी Q1 चार्ज के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लगातार बढ़ते जाता है, ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लगातार फैलते जाता है मतलब डिस्टेंस के साथ जो है वो दूर जाते रहता है, लेकिन डिस्टेंस के साथ उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो घटते जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर हुआ ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है तो हम पढ़े होंगे कि अगर कोई Q1 चार्ज हो तो इससे R डिस्टेंस दूर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है P पॉइंट पे कितना होता है K इंटू Q1 इंटू बाई आर क्यू इंटू इस डायरेक्शन में वेक्टर, ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर हम इस Q1 चार्ज के फील्ड में अगर कोई Q2 चार्ज रख दें यहाँ पे तो उस Q2 चार्ज पे फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा दिस इज फोर्स इक्वल टू हो जाएगा इस पर फोर्स इक्वल टू Q2 इंटू Q1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है हमारा फोर्स का वैल्यू, ठीक है। अगर फोर्स निकालना चाहे तो Q2 इंटू QE, E कितना है K Q1 by कितना RQ into R vector, देखिए फोर्स वही आ गया K Q1 Q2 by RQ into R vector, वेक्टर फॉर्मेट में है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी चार्ज के चारों तरफ जो है एक जनरेट होता है, ठीक है, और उसके पास अपना जो है एनर्जी और मोमेंटम होता है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से मान लो कि अगर हम यहाँ पे Q1 चार्ज था और यहाँ पे अगर Q2 चार्ज था तो अगर इसके बीच में सेपरेशन एक लाइट ईयर था, वन लाइट ईयर,
अगर हम Q2 चार्ज को इधर यहाँ पर कर भी दिए, सेपरेशन घटा भी दिए, यहाँ पर कट घटा दिए, तो ध्यान से देखो कि Q1 चार्ज जो है, Q1 चार्ज उसके कारण, Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस Q2 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा Q1 पे, इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे होगा Q2 के कारण इस तरह से होगा ना, Q2 के कारण रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर, यहाँ पे Q2 को अगर हम यहाँ पे डेल्टा आर डिस्टेंस अगर घसका भी दे इधर, तो इस Q2 चार्ज के कारण इसका फील्ड जो है उस Q1 तक पहुंचने में जो है उसको एक ईयर का तो समय लगने वाला है। मतलब एक ईयर तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इसके कारण Q2 यहाँ पर था, उसी तरह अगर चार्ज यहाँ पर भी आ गया तो एक ईयर तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा यहाँ पर, और उस ई का वैल्यू होगा के किटू किटू कितना होगा, ई इज इक्वल टू के इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और बताओ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स अभी तुरंत बताएं, चार्ज इंटू उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिस Q2 अगर यहाँ था, तो Q2 यहाँ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट कर रहा था, और Q2 को डेल्टा आर खिसकाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि Q2 को यहाँ पर लाने के बाद इसके इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगने वाला है, एक ईयर कम से कम लगने वाला है, जब वो स्पीड के लाइट से उसका इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल हो जाएगा Q1 इंटू इसके कारण Q2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखो फोर्स का वैल्यू कितना है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कितना हो गया। अब एक बात बताओ कि Q1 के कारण Q2 पे फोर्स कितना होगा, Q1 के कारण Q2 पे फोर्स कितना होगा। तो सुनो, यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनो कि यहाँ पर Q1 है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ऐसे। और अगर हम इस Q चार्ज है यहाँ पे, इसको नजदीक लाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक लाएंगे, मैंने हायर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब है कि अगर इस Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो ग्रीन कलर से सेट किए हैं, इस Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि Q1 तो मूव नहीं कर रहा, नॉट मूव, फिक्स है वो। अगर वो नहीं मूव कर रहा, Q1 अगर मूव नहीं कर रहा, तो Q2 के कारण जो है, Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, Q2 को अगर हम स्ट्रॉन्गर फील्ड में लाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ला रहे हैं Q2 को, तो स्ट्रॉन्गर फील्ड में लाएंगे तो इसमें फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और फोर्स का वैल्यू होगा कितना, Q2 इंटू ई। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट गया ना, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस हो गया हमारा कितना आर माइनस डेल्टा आर कम हो गया। अब जो इसके बीच के कारण फोर्स है यहाँ पे, Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के इंटू Q1 बाई आर माइनस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इतना और इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इतना, देखो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार जितना फोर्स Q1 जो है Q2 पे एग्जर्ट करता है, उतना ही Q2 जो है Q1 पे एग्जर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब एक साल तक तो जो है न्यूटन्स लॉ भी वैलिड नहीं होने वाला है, थर्ड लॉ न्यूटन का वैलिड नहीं होने वाला है एक साल तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें सीखे कि कूलम्स लॉ जो है कहाँ पे वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया। चलो तो आगे चलते हैं, ऑल द बेस्ट।